जगमग ज्योति जली है, श्री राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम सिया राम, सिया राम 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 सिया राम, राम 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 सिया राम। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित संतर गावे। आरती हनुमत के मन भावे, चर्चा होती गली गली है। आजा राम जी की आरती होने लगी है। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम, सिया राम जग जननी। चरण पखारत है सुत अंजनी, बाम भाग सौभित जग जननी। चरण पखारत है सुत अंजनी, बैठी आनंद जनक लली है। राजा राम जी की आरती होने लगी है। पदम शिव विरिंचनित शरण्यम भृत्यारति प्रणतपाल भवादिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री सीतानाथ समारंभ श्रीरामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। आइए हनुमंत विराजे, कथा को मत
शक्ति अनुसार प्रेम सहित गारी धरो पधारे पवन कुमार सीता राम गुणग्रा पुण्यारण्य विहार वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर श्री रामचरितमानस विमल कथा करो चितला आसन आई विराजिए पवन पुत्र हर्षाय तुलसी सीताराम कहो हृदय मान विश्वास कबहू विगरत ना सुने सिया राम जी के दास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। आज के आनंद की जय। दीन बंधु दीनानाथ की जय। परम प्राप्तेश्वर अकारण करुणावाले शिवत्मांशी कवित्र सुंदर पीतामणधारी भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार को कोट कोट वंदन। आप मुझे कथा कहने के अपने चरणों का दास बना करके श्रीमद प्रार्थना है। आप मुझे कथा कहने श्रीमन नारायण भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुझे कथा कहने शक्ति प्रदान करें अनंत बलवंत परम संत श्रीमंतला जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुझे कथा कहने शक्ति प्रदान करें मुझे माता पिता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुझे कथा कहने शक्ति प्रदान करें और इसी क्रम में भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार की चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुझे कथा कहने शक्ति प्रदान करें श्री सीताराम और श्री हनुमान जी महाराज व्यासपीठ पर धारें। मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें माता शारदा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ग्राम देवता वास्तुता स्थान देवता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुझे कथा कहने शक्ति प्रदान करें और इसी क्रम में हमारे श्री कमेटी के समस्त सज्जनों को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। परम पूज्य आचार्य जी को साधुवाद। हमारी परम प्रिया यशोदानी जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। सुमधुर भजन सम्राट श्री शिवाकांत जी तबला पे संगत कर रहे भैया आचार्य प्रवर श्री विष्णुकांत जी पैड पे संगत कर रहे भैया श्री राम जी पाठक जी बंटी स्टूडियो आगरा आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। कथा प्रारंभ करते हैं उसके पूर्व में बड़े भाव के साथ आइए सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे त्रिभुवन विदित अनेक लागे त्रिभुवन विदित अवध जे कर नौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे त्रिभुवन विदित त्रिभुवन राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे हरि बोल
दशरथ पिता जहां कौशल्या मैया, दशरथ पिता जहां कौशल्या मैया, भरत लखन रिपो सूदन भैया, भरत लखन रिपो हनुमन भैया, जहां ना चले जहां चले कल काल हूँ पितौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। ओ त्रिभुवन विदिता है, त्रिभुवन विदिता अवध कर बड़ा के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। हरि बोल। हनुमान सरस वैष्णो समाजा, हनुमान सरस हो सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान सरस वैष्णो समाजा, हनुमान सरस वैष्णो समाजा, सिया महारानी राम महाराजा, सिया महारानी राम 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 लटे जा, राम राम लटे जा कोयल कौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। हरि बो। त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, 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 बड़ा नीक लागे। राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, जय 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 राम 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 सीता राम राम राम। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। आज के आनंद की जय। षष्ठम दिवस है और बड़ी प्रसन्नता की बात के दिन में आप लोगों ने भागवत कथा के अंतर्गत उद्धव गोपी संवाद, रासलीला और कंस वध रुक्मणी विवाह आज की कथा को रसास्वादन किया। एक बात बता दूं कि प्रसन्नता ही मनुष्य का ईश्वर प्रदत्त वरदान है। आप खुश रहिए हर हर, जितना आप खुश रहने का प्रयास करेंगे उतना ही ईश्वर के करीब जाएंगे। आप देखेंगे कि जब मां के पेट में बालक रहता है तो पैर हिलाता है, मगन होता है, क्योंकि उसे उस पेट में
प्रसन्नता का आभास होता है। प्रसन्नता कहते किसे हैं? बोले जो दुख को समाप्त करके सुख प्रदान कर दे उसी का नाम है प्रसन्नता। चित्त का स्वभाव सुख नहीं आनंद है। सुख से तो केवल आप बाद में दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास आनंद है तो आनंद आपको कभी दुखी होने नहीं देता, आनंदित रहे। ईश्वर का स्वरूप क्या है? आनंद है। इस कारण आपको जहां से भी आनंद प्राप्त होता है समझ लीजिए कि वहां ईश्वर विराजमान हैं। चाहे वह है कथा से हो, सत्संग से हो, भजन से हो, संत दर्शन से हो, भक्ति से हो, जहां से भी आपको भगवान का आनंद प्राप्त हो समझ लेना कि वहां ईश्वर का वास है। और एक बात आप सभी लोगों को बता दूं कि जो धर्म से न जुड़ना चाहे उसके साथ कभी बैठने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जो धर्म को छोड़ देगा ये संभव है कि किसी ना किसी मोड़ पर हमें और आपको भी वह छोड़ देगा। हाँ जी कि ना जी? भाई जो धर्म को छोड़ सकता है वो गारंटी है कि हमारा आपका साथ देगा। इस नाते धर्म को छोड़ने वाले को आप बहुत ज्यादा करीब ना लाइए। हमने तो कहा कि जिन लोगों ने धर्म को छोड़ा हमने उनको छोड़ दिया, जिन लोगों ने धर्म को छोड़ा हमने उनको छोड़ दिया, राघव को बस अपना माना, उनसे नाता जोड़ लिया। दुनिया के लोग आपके पास बैठे उठें, आपकी सेवा करें, आपकी सुरक्षा करें, लेकिन आप देखें अगर वह धर्म से न जुड़े हो तो कभी उनके पास मत बैठे। धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति मां का कदर करता है, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति पिता का कदर करता है, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति समाज का कदर करता है, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपना कदर करता है। इस नाते धर्म से जुड़े रहिए। भगवान राम पृथ्वी पर आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, कृष्ण आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, हम लोग कथा सुन रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए, ये आयोजन किए जा रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए। अगर हम धर्म को नहीं संभाल पाएंगे तो ये पक्का है साहब, जब धर्म हमें छोड़ेगा तो फिर हमें कोई संभाल नहीं पाएगा। इस नाते आपकी आपका कर्तव्य है धर्म को संभालना। कल के प्रसंग में हमने क्या सुना था? राम वन को गए, क्यों गए वन को? बोलिए क्यों वन को गए? क्योंकि पिता का संकल्प था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहिं पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहिं पर बचन न जाए, प्राण जाहिं पर बचन न जाए। पिता धर्म के सम्मान में लगा हुआ था, अगर राम वन नहीं जाते तो क्या धर्म सुरक्षित रह जाता? ईमानदारी से बताइए, राजा दशरथ की सत्य प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती कि नहीं हो जाती? उलहाया ना। लेकिन राम वन में जा करके अपने पिता के धर्म की रक्षा करते हैं। दूसरा राम जी ने काम क्या किया? भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो,
विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो सन्मुख आजो। राम को दूसरा भाव क्या था बन जाने का? बोले भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, हमारा भरत गद्दी पर बैठे। आप सोचिए कि आज जहां भाई भाई एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जहां भाई भाई एक दूसरे का गला काट रहे हैं, जहां भाई भाई एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, जहां भाई भाई एक दूसरे से बेमनस्ता लख रहे हैं, वहां राम क्या कहते हैं? भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू। किसी ने कहा राम अगर भरत गद्दी पा जाएंगे तो आपका क्या फायदा होगा? तो भरत जी का जवाब क्या था जरा सुनिएगा। भरत ने कहा, राम ने कहा कि जब मैं रास्ते से चलता हूं तो दुनिया वाले कहते हैं वो देखो राम जा रहा है। राजा राम, राजा दशरथ का बेटा राम जा रहा है, और जब मेरा भरत जाता है रास्ते से तो लोग कहते हैं देखो देखो राम जी का छोटा भाई भरत जा रहा है। तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल ललिकाई, जब एक साथ जन्मे, एक साथ पले, एक साथ बढ़े, एक साथ खेले, तो एक को इतना सम्मान और दूसरे का इतना है, उसको छोटा क्यों कहा जाए? ये राम जी सोच रहे हैं। और जब भरत गद्दी पर बैठेगा और जब मैं उसके पीछे निकलूंगा तो दुनिया वाले कहेंगे वो देखो देखो राजा भरत का बड़ा भाई राम जा रहा है। तो हम तो बड़े थे और बड़े हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब भरत तो अभी छोटा है और छोटा हो जाता है। हम नहीं चाहते कि मेरा भरत छोटा हो, हम चाहते कि मेरा भरत और बड़ा हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की आहा। राम जी आगे बढ़ते हैं, तमसा नदी को पार करते हैं। तमसा नदी तक अयोध्या के सभी लोग साथ गए, लेकिन रात्रि में सो गए। राम जी ने सुमंत्र जी को जगाया, सुमंत जी रथ को आगे बढ़ाओ। कुछ दूर इधर रथ गया, कुछ दूर उधर रथ गया, कुछ दूर उधर रथ गया, अवंत में भगवान ने क्या किया, रथ को मोड़ दिया बन के तरफ। अयोध्या वाले जब सो करके उठे तो देखा कि राम हमारे बीच से जा चुके हैं। तो लोगों ने कहा कि राम प्रेम करने योग्य नहीं है। कहा क्यों? अरे कहा जिन अयोध्या वासियों ने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया राम के लिए, उस राम ने धोखे से उनको छोड़ करके वन का मार्ग ले लिया। भाई सोते समय कोई किसी को छोड़ करके चला जाए तो प्रेमी कहा जाएगा कि धोखेबाज? बोलिए आखिर ये सो गए और राम जी एक बार बता देते कि भैया हम आपको नहीं ले चलेंगे, हम जाएंगे, तो क्या कुछ बिगड़ जाता? लेकिन छोड़ करके चले गए, धोखा किया। तो कहा नहीं, राम जी ने उन्हें छोड़ा जो सो गए थे। मतलब जब धर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए तो सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है। अयोध्या वाले सो गए, इस नाते राम सोते समय निकल गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति के मार्ग पर चलिए तो जागते रहिए, और जब जागोगे तो राम आपका साथ छोड़कर के कभी नहीं जाएंगे। भगवान का यही संदेश है कि अगर कोई मुझे पाए और पा करके सो जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। जागते रहिए। जागने का मतलब क्या है? जा नहीं तब ही जीव सोई जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। इस संसार से वैराग्य आ जाए समझ गए कि आप जाग गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई मित्र ना दिखे, कोई शत्रु ना दिखे संसार में, कोई अपना ना दिखे, कोई पराया ना दिखे, समझ लेना आप जाग गए हैं। संसार में सबके प्रति आपका आदर भाव रहे, समझ लेना आप जाग गए हैं। और सी राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुकाने, सबके अंदर भगवान का दर्शन करिए, आप जाग गए हैं। और
निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध। सारे संसार में भगवान ही है, हम किससे लड़े, हम किससे झगड़े। अच्छी बात बताएं, दुनिया के शीश महल में किसको पत्थर मारे, दुनिया के शीश महल में किसको पत्थर मारे, जब शीश महल का हर एक पत्थर अपना लगता है। दुनिया के शीश महल में हम किसको ठोकर मारे, जब शीश महल का हर एक शीशा अपना लगता है। बोलो हाय। अरे भाई, अगर आप देखें तो ये सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम तो ही है, अपना परिवार ही तो है। अयम निज परम वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिताणाम वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चित्त वाले हैं उनके लिए सारा संसार अपना परिवार है, और जो उदार चित्त वाले नहीं है उनका परिवार ही अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उदारता आ जाए समझ लेना आप जाग गए हैं। आहा, आज देखा मेरे राम जी को कि तेसी राम साथ री सोए। आज मेरे राम कुश की साथरी बनाए, उस पर मेरे राम जी सो रहे हैं। और जब राम जी सोए तो निषाद राज रोने लगे। निषाद रो रहे हैं, किसी ने कहा कि निषाद आप रो क्यों रहे हैं। कहा कि देखो कई के नंदन मंदमत कठिन कुटिलपन इन कई कई माँ को दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। मेरे राम को वनवास दे दिया कैकेयी माँ ने, ये बहुत बुरा किया। देखो ना आज मेरे प्रभु उसकी साथरी पर सो रहे, कितना कष्ट हो रहा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि यही बात मैं भी सोचता था कि मेरे राम जी को कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन आज पहली बार पता चला कि जो मेरे राम जी को आनंद अयोध्या के सेज पर सोने में आता था, वही आनंद मेरे राम को कुश की चटाई पर सोने में आता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इनके लिए ना तो कोई दुख है, ना तो कोई पीड़ा है, वो तो कुश की चटाई पर भी उसी प्रसन्नता से सो रहे हैं जिस प्रसन्नता से अयोध्या के सेज पर सोया करते थे। तब निषाद फिर रोने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा अब क्यों रो रहे हो, तो कहा भैया मेरे राम जी ने मेरी एक बात कहने पर, जिन्होंने संकल्प लिया था कि ग्राम वास नहीं उचित, 14 वर्ष किसी ग्राम में वास नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहा प्रभु आप मेरे भवन में पधारिए तो मेरे राम की उदारता तो देखिए। मेरे राम जी गए और मेरे यहां एक रात विश्राम कर रहे हैं, एक रात है? एक रात मेरे यहां विश्राम कर रहे हैं, मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। एक बात आपको बता दूं, लक्ष्मण भैया आज राम जी सो रहे हैं, जानकी जी सो रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जाग रहा है। पता है क्यों जाग रहा है? इसलिए जाग रहा है क्योंकि अयोध्या वालों की भूल हम नहीं करेंगे। अयोध्या वाले सो गए, राम छोड़ करके चले गए, और हमने कहा कि आप जागते रहो कहीं हमको भी छोड़ कर ना चले जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन आज मैं इन दुनिया वालों को कहूंगा कि दुनिया वाले जो हमें ठग रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म में पहले के समय में दलितों का अपमान होता था, लोग कहते हैं, लेकिन आज मैं कहता हूं कि ये लोग झूठ बोलते थे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, निषाद कह रहे हैं, लोग झूठ बोलते हैं। राम जी के समय में शेड्यूल ट्रिब था ही नहीं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जातिवादिता नहीं थी राम जी के समय, बोलो थी राम जी के समय जातिवादिता? बिल्कुल जातिवादिता नहीं थी। अगर आप कहेंगे थी तो मैं आपको पद्म पुराण कौशल खंड की कथा सुना रहा हूं। ये जो निषाद की माता थी ये अयोध्या की बिटिया थी। कहां की बिटिया थी निषाद की माता? कहां की बिटिया थी? अयोध्या की बिटिया थी।
और एक बात बोलूं, एक राज परिवार अयोध्या का और कहां ये मछुआरे की बेटी, लेकिन माता कौशल्या अपनी ननद मानती थी निषाद की माता को, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक भाभी और ननद का रिश्ता कितना अच्छा होता है आप सबको पता होगा, होता है कि नहीं होता है? एक ननद और भाभी का रिश्ता इतना अच्छा होता है प्यारे, जिसके विषय में शब्द नहीं है। एक ननद अपने भाभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करती है कि मेरी भाभी को, मेरी भैया को, मेरे मायका को हमेशा खुशहाल रखना, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, हमेशा मनाती है कि मेरी भाभी को बेटा ही देना, क्योंकि जब बेटा होगा ना तो हमारा भी नेक तो बढ़ जाएगा, हमारा भी तो चार बढ़ जाएगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ननंद भाभी का प्रेम अप्रतिम प्रेम होता है, स्वार्थी नहीं होता है। ये तो समाज में थोड़े बहुत स्वार्थ आ गए हैं कि आज ननद और भाभी लड़ने लगी एक दूसरे से। नहीं तो सच बताऊं, अगर भाभी की सबसे अच्छी कोई फ्रेंड होती है तो ननद होती है, बोलो है ना, जिससे भाभी अपने दिल की बात कह लेती है, अपने दुख सुख को बतिया लेती है। अच्छा, सास से कुछ बतिया पाएगी? बोलो, सास से बतिया पाएगी? डर लगेगा, लेकिन अपने ससुर से नहीं कह पाएगी, अपने देवर से बात करेगी तो दुनिया वाले कहेंगे कि देखो कुछ गड़बड़ होगा, तभी देवर से बात कर रही है। जेठ से बोल नहीं सकती क्योंकि जेठ उसका बड़े भाई जैसा है। तो एक ननद ही है जिसको अपने दिल की बात बताती है, कहती है, सुनती है, उसके साथ रहती है। ननद भाभी का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है साहब, आपने देखा होगा कि ननद जब भी भाभी के यहाँ जाती है तो उन बच्चों के लिए जरूर कुछ लेकर के जाती, भाभी के बच्चों के लिए जरूर कुछ लेकर के जाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों की बुआ है ना, भाभी की ननद है ना, तो उसको हमेशा अपने भाभी का सम्मान लगा रहता है, भाभी का सम्मान करती है। कौशल्या मैया भी बहुत सम्मान करती हैं अपने ननद का। और जब विदाई होने लगी निषाद की माता का, तो राम जी आए, राम जी ने अपनी माँ कौशल्या का आंचल पकड़ा। माँ ने कहा, बेटा क्या बात है राम, बताओ ना। माँ, बुआ से कह दो कि भैया को यहीं छोड़ जाए, निषाद को यहीं छोड़ जाए, भैया को यहीं छोड़ जाए। राम जी ने निषाद को क्या कहा, जोर से बोली, भैया कहा। बुआ से कह दो कि भैया को यहीं छोड़ जाए। कौशल्या माँ ने कहा कि ननद रानी, हमारा निवेदन था आप हमारे राम जी की प्रसन्नता के लिए अपने निषाद को यहाँ छोड़ जाओ। तो कहा कि कोई बात नहीं भाभी जी, हम जंगल में रहने वाले हैं, जंगल में ये जाएगा तो कहीं बुरे आचरण में ना फंस जाए, बुरे स्वभाव में ना फंस जाए, इस नाते हम कहते हैं यहाँ रहेगा तो अच्छे से रहेगा, पलेगा, बढ़ेगा और यहाँ का संस्कार प्राप्त करेगा, तो बहुत अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं कि यही रहे। वो निषाद रहने लगे और लालन पालन जिस प्रकार से राम जी का हो रहा था उसी प्रकार से लालन पालन निषाद का हो रहा था, बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक दिन राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे थे, सब राजा दशरथ को कुछ ना कुछ दे रहे थे। निषाद ने लकड़ी का खड़ाऊ बनवाया, क्या बनवाया, लकड़ी का खड़ाऊ बनवाया, और निषाद ले जाकर के लकड़ी का खड़ाऊ खड़ा है, हिम्मत नहीं हो रही कि राजा दशरथ को दे दे। वशिष्ठ जी ने पूछा, भैया निषाद यहां क्यों खड़े हो? कहा कि एक पुरुष का एक उपहार लाया था, ये उपहार राजा को देना था, लेकिन क्या बताऊं, आज मेरा किस्मत इतना खराब है कि मैं अपने प्रभु के चरण तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे ले जा करके दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, चल मेरे साथ। ले गए राजा दशरथ, निषाद आया है। राजा दशरथ अपने आसन से खड़े हो गए। अरे निषाद, बताओ क्या बात है? महाराज, आपके लिए सब उपहार लाए थे, मैं भी आपके लिए उपहार लाया था, स्वीकार कर लेते तो बड़ा अच्छा होता।
राजा दशरथ बोले क्या लाए हो? कहा प्रभु क्षमा करना, हम तो जंगली लोग हैं, हम क्या लेकर के आएंगे, हम तो आपके लिए लकड़ी का खड़ाऊ लेकर के आए हैं। राजा दशरथ ने कहा वशिष्ठ जी से, गुरु जी इस निषाद के खड़ाऊ को मेरे पूजा स्थल में रखा जाएगा और आज से इस खड़ाऊ की पूजा हम स्वयं करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, मैं इस खड़ाऊ की पूजा करूंगा। और प्यारे जब राजा दशरथ ने राम जी को बन दिया, राम बन जाने लगे, तो चुपके से उस खड़ाऊ को राम जी लेकर के चले गए। क्यों? क्योंकि भरत ननिहाल में है, पिताजी मूर्छित हैं, अगर खड़ाऊ रहेगा उसकी पूजा हो नहीं पाएगी तो महाराज बात बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं इतना सम्मान दिया गया है, मेरे पिता ने कहा है कि पूजा होगी, और अगर पूजा नहीं हो पाया तो निषाद का अपमान हो जाएगा। इस नाते राम जी खड़ाऊ को लेकर के गए। और प्यारे उसी खड़ाऊ को बाद में जब भरत जी मनाने आए राम जी को, तो उस खड़ाऊ को राम जी ने फिर भरत जी को दे दिया, क्योंकि पता चल गया कि अगर भरत रहेंगे तो उस खड़ाऊ की पूजा हो जाएगी। इस नाते महाराज उस खड़ाऊ को राम जी ने भरत को दिया कि अब इस खड़ाऊ की पूजा में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। और एक दिन उसी निषाद के पास राम जी आए। निषाद भैया आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। निषाद ने कहा क्या? कहा कि जिसके ऊपर मैं बाण चलाऊंगा उसके ऊपर कभी तुम बाण नहीं चलाओगे। निषाद ने कहा ठीक, और कहा अगर मैंने जिसके ऊपर बाण चलाया उसके ऊपर अगर तुमने बाण चला दिया तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हें प्राण दंड दूंगा। निषाद ने कहा ठीक है प्रभु, आप जिस जानवर के ऊपर बाण चलाएंगे मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा। लेकिन राम जी जंगल में टहल रहे थे और धनुष पर बाण लेकर के राम जी ने एक सिंह का शिकार किया, सिंह घायल हो गया। राम जी पीछे मुड़े, सिंह ने पांव खींचा और पांव खींच करके सोचा कि राम जी को मार डाले। निषाद ने देखा अरे ये तो शेर राम जी को मार डालेगा, तो हाथ में तलवार लेकर के निषाद दौड़े और दौड़ करके ऐसा मारा कि प्यारे शेर का सर धड़ से अलग हो गया। जब शेर का सर धड़ से अलग हो गया आप तो प्यारे राजा राम जी ने कहा निषाद जब मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि जिसके ऊपर मैं बाण चलाऊंगा उसके ऊपर तुम कभी बाण नहीं चलाओगे, लेकिन तुम बात को नहीं माने, अब इसका सजा तुम्हें मिलेगा। आए राजा दशरथ जी के पास, भरत जी ने कहा पिताजी निषाद और राम जी की ऐसी सी बात हुई थी, लेकिन निषाद ने शेर के ऊपर शस्त्र चला दिया, महाराज जरा अब आप निर्णय दीजिए कि क्या होना चाहिए। राजा दशरथ ने पूछा निषाद एक बात बताओ, जब तुमसे राम ने कह दिया था तो तुमने बाण क्यों चलाया पहले ये बताओ। निषाद हाथ जोड़े खड़ा है और हाथ जोड़ करके निषाद कह रहा है कि महाराज मेरी मजबूरी थी। कहा क्या? कहा अगर शेर आक्रमण करता तो राम जी को मार डालता, और एक राम अगर चला जाता इस धरती से तो दोबारा राम पैदा नहीं होता। सरकार अगर आपको कल सजा देनी है तो आज दीजिए, आज देना है तो अभी दीजिए, तुरंत मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक निषाद मर जाएगा तो हजारों निषाद पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर एक राम धरती से चले गए तो दोबारा राम पैदा नहीं होंगे। इस नाते निषाद अपना अगर अपना जीवन भी समाप्त कर दे राम को बचाने के लिए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि निषाद एक बड़े भाई का कर्तव्य तुमने निभाया है, तो इसके बदले मैं तुम्हें श्रृंगवेरपुर का राजा बनाता हूं, जाओ आज से तुम श्रृंगवेरपुर के राजा रहोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बताइए यही बात श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, तो अब आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं क्या राम जी के यहां किसी दलित का अपमान हुआ?
बोली अगर दलित का अपमान होता तो राम जी श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद को क्यों बनवाते? राजा दशरथ श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद को क्यों बनवाते? आप सभी बताइए। इससे यह सिद्ध होता है कि ये कुछ चंद नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए क्या कर रहे हैं, बोले इस देश को कोयला बनाते जा रहे हैं, जातिवादिता फैलाते जा रहे हैं, रूढ़वादिता फैलाते जा रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ाते जा रहे हैं। लेकिन सावधान मेरे मित्रों, आप जिस दिन बटोगे, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं उसी दिन कटोगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर बट गए तो समझना कट गए, और अगर संभल गए तो समझना निकल गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। संकल्प कर लो इस भागवत पांडाल में बैठ करके, रामकथा पांडाल में बैठ करके, कि मैं बटूंगा नहीं और मैं कटूंगा नहीं, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए जान दे दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, हाथ में अगर भगवान सोचिए पांच अंगुलियां एक बराबर बनाते तो लिख पाते आप? बोलो, अगर पांचों उंगलियां एक बराबर होती तो लिख पाते? लिख पाते? लेकिन भगवान की कृपा देखो, अब जब आपको लिखना होता है तब एक बड़ा और एक छोटा मिला तो आप क्या करिए, बड़ी सुंदर राइटिंग में लिख रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हाँ या ना। अगर किसी का प्रशंसा करना हुआ तो आप क्या कहते हैं, है? एक बड़ा और एक छोटा दोनों झुक जाते हैं और तीन लोग ऐसे हो जाते हैं तो आपके मुख वो क्या समझता है कि मेरा प्रशंसा हो रहा है। और आप देखिएगा कि अगर किसी के ऊपर प्रहार करना है बुराई के ऊपर तो ये पांचों इकट्ठा हुए तो क्या बन गया, मुक्का। और एक मुक्का अगर किसी को मार दो तो कोई बुराई बचेगी? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मुंह से खून निकल जाएगा बुराई के? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब एक बात बताइए, अगर ये तीन से बनाओ मुक्का बन रहा है, बन रहा है, ये तीनों बड़े हैं, तीनों बड़े हैं, इनसे मुक्का बनाओ, या ये दो ही बड़े हैं ज्यादा इनसे बनाओ मुक्का, बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा। और जब ये पांचों मिले, अब आप देखिए एकदम समतल हो गया। अब इसमें इतनी ताकत का अनुभव हो रहा है कि एक बार मार दो तो ईंट फूट जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बस मैं कथा इसीलिए आपको सुना रहा हूं कि आप संगठित होइए, आप एक बनिए, और जिस दिन एक बन जाएंगे उसी दिन हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब सभी राजा आए थे धनुष तोड़ने तो भूप सहस दस एक ही बारह इकट्ठे होकर के आए थे। बोलो इकट्ठे होकर के आए थे। अच्छा यहां भी जितने लोग कथा सुनने आ रहे इकट्ठे हैं, एक नहीं है। अच्छा एक है कि इकट्ठे? ईमानदारी से बताओ, यहां जितने लोग पांडाल में बैठे हैं एक है कि इकट्ठे हैं? इस पांडाल में सब इकट्ठे हैं, एक नहीं है। सबके विचार अलग अलग हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, सबके सूत्र अलग अलग हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन प्यारे जिस दिन इस पांडाल में बैठे इकट्ठे लोग एक बन जाएंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं उसी दिन परिवर्तन होगा, उसी दिन हमारे समाज का विकास होगा, उसी दिन हमारा समाज एक संगठित समाज बनेगा। इसमें कोई संशय? एक बनिए। और इस कथा को मैं इसीलिए सुना रहा हूं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मण जी राम लक्ष्मण जी ने साध से कहते हैं कि भैया कौन काहू सुख दुख कर दाता, कौन सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, इस संसार में कोई किसी को कष्ट नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपना अपना कर्म है तो भोग रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
और भगवान कहते हैं कि कर्म अच्छा करोगे मुझे पाओगे, ना करोगे तो पीछे को पछताओगे। कर्म अच्छा करोगे मुझे पाओगे, ना करोगे तो पीछे को पछताओगे। अब पाप करते सभी जिंदगानी कटी, बाद आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, बाद आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, बाद आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम कलयुग में अनमोल है, राम का नाम कलयुग में अनमोल है। तेरे मुख में न आए तो मैं क्या करूं, तेरे मुख में न आए तो मैं क्या करूं। राम का नाम कलयुग में अनमोल है, राम का नाम कलयुग में अनमोल है। तेरे मुख से ना आए तो मैं क्या करूं, तेरे मुख से ना आए तो मैं क्या करूं, तेरे मुख से ना आए तो मैं क्या करूं। राम का नाम कलयुग में अनमोल है, राम का नाम कलयुग में अनमोल है। गर्ज प्राणी न ले तो बड़ी भूल है, गर्ज प्राणी न ले तो बड़ी भूल है। और इतना सत्संग किया संतों से मिला, इतना सत्संग किया संतों से मिला, ज्ञान तुमको ना आए तो मैं क्या करूं, ज्ञान तुमको ना आए तो मैं क्या करूं, ज्ञान तुमको ना आए तो मैं क्या करूं, ज्ञान तुमको ना आए तो। अच्छा एक बात बताइए, राम का नाम कलयुग में अनमोल है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। बाबा जी ने क्या लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावहि भवथा, पावत नर पावहि भवथा। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर ना चूक जाए भलो पायो दाम रे, या अवसर चूक ना जाए इस नाते राम कहते रहो, राम कहते रहो, राम कहते रहो। प्यारे लक्ष्मण जी से निषाद राज ने पूछा कि अगर भगवान को पाना हो तो सबसे सरल भक्ति क्या है। अजी भगवान को अगर पाना हो तो सबसे सहज भक्ति क्या है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि सखा परम परमारथ ये हो, अमन क्रम वचन राम पद ने हो। अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो मन क्रम वचन राम पद ने हो, मन से वचन से क्रम से राम का स्मरण करिए, राम के चरणों में मन लगाइए, राम से नेह लगाइए। अगर जीवन में भगवान को पाना चाहते हैं, अच्छा कितने लोग चाहते हैं भगवान को, जरा हाथ ऊपर करिए।
ये सभी लोग भगवान को चाहते हैं, और कितने लोग भगवान से चाहते हैं ईमानदारी से बताओ। भगवान से हमको लगता है कि भगवान को लोग चाहे न चाहे, लेकिन भगवान से लोग जरूर चाहते हैं। को वाले कम हैं और से वाले ज्यादा हैं। आज कभी भी आप देखना, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। एक किसी नगर में एक राजा रहता था, उसकी कई पत्नियां थीं। ये पत्नियों ने पूछा कि आप बाहर जा रहे हैं, कुछ लाएंगे हमारे लिए? राजा ने कहा जो कहोगी वो लेकर के आएंगे, खाली कह करके तो देखो। तो रानियों ने अपने अपने पत्र में कुछ लिखा और पत्र में लिख करके दिया। तो दो रानियों ने कुछ लिखा, राजा ने अपने डायरी में नोट कर लिया। लेकिन तीसरी रानी ने जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि आपसे बढ़कर के मेरे लिए कोई धन नहीं है, आप हैं तो मेरे पास दुनिया का सारा धन है। एक काम करिएगा, आप जब आइएगा जल्दी आइएगा और आकर के मेरे पास आइएगा, आपका स्वरूप देख लूंगी, आपका चरण छू लेंगी, तो सारे संसार का धन हमको अपने आप मिल जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जब राजा लौट करके आया तो सभी पत्नियों को जो जो उन्होंने अपने पत्र में लिखा था दिया। लेकिन पत्नी के पास महाराज कई ब्रीफकेस सोना चांदी और सारा आभूषण लेकर के आया, तो सभी रानियों को जलन होने लगी कि बताओ उसको ज्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। तो राजा ने कहा कि देवियों गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आपने जो मांगा मैंने आपको दिया है कि नहीं, पहले अपना अपना पत्र देखो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सबने अपना अपना पत्र देखा तो जिसने जो मांगा था वो भगवान ने दिया। लेकिन कहा अब छोटी रानी का पत्र देखो। छोटी रानी ने कहा कि ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो जो मुझे मांगती है, तो मेरा जो कुछ है वो उसी का तो है जो मुझे मांगती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोलो हाँ या ना। भाई जो मुझे मांगती है, मेरी सारी संपत्ति, मेरा सारा धन वैभव सब उसी का तो है जो मुझे मांग रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं? ऐसे भगवान कहते हैं कि योग मांगे तो योग दे डारो, और भोग मांगे तो भोग दे डारो। अगर कोई योग मांगता तो योग दे देता हूं, भोग मांगता तो भोग दे देता हूं। लेकिन भक्त हमसे कुछ नहीं मांगता, तो उसको हमें मांगता है। और जब मैं जाता हूं तो दुनिया का सारा वैभव लेकर के जाता हूं, क्योंकि लक्ष्मी तो मेरे चरण में रहने वाली है। तो जहां मैं जाऊंगा वहां लक्ष्मी नहीं जाएंगी। बोलो, इस नाते भक्त को भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, रात में जब निषाद बात कर रहे थे लक्ष्मण जी से, उसी समय केवट चुपके से सुन रहा था। आहा, और जैसे केवट ने सुना तो निषाद के पास गया, भैया एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। निषाद ने कहा बताओ केवट क्या प्रार्थना करते हो? कहा सरकार एक बार की बात, आप जंगल में लकड़ियां काटने आए थे, आपको बहुत प्यास लगी थी, आप प्यास से व्याकुल थे, मैंने आपको जल पिलाया था। तो आपने कहा था कि हे केवट तूने मेरा प्राण बचाया है, जो मांगना चाहता मांग ले। तो मैंने कहा था आज नहीं फिर कभी, वो वरदान आपके पास रखा हुआ है। कहा हाँ। तो कहा एक काम करिए, हम यही मांगते हैं कि नौका सभी के पास है, 500 नौका है घाट पर, और सब अपने अपनी नौका को सजा रहे हैं, कोई फूल लगा रहा है, कोई पत्ती लगा रहा है, कोई माला पहना रहा, सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, क्या कि आप सभी नौकाओं को दूसरी घाट पर भेज दीजिए, इस घाट पर खाली हमारे नौका रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं तो महाराज इतना सुंदर सुंदर सबका नौका है, भगवान सुंदर नौका में जाएंगे कि खराब नौका में जाएंगे? और जब एक ही रहेगा तो उनकी मजबूरी हो जाएगी, बेचारे जाएंगे कहां, तो जबरदस्ती वो मेरे नौका में बैठेंगे ही बैठेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। निषाद ने कहा कि केवट जाओ,
तुम्हारी इस भाव से मैं प्रसन्न हूं, कल घाट पर एक भी नौका नहीं रहेगी। और इधर राम जी ने, बाबा जी लिखते हैं कि बरबस राय सुमंत पठाए, बरबस राय सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप चलियाए, सुरसरी तीर आप चलियाए, मागी नावना केवट आना, मागी नावना केवट आना, कहा तुम्हारे मरम में जाना, कहा तुम्हारे मरम में जाना। तो बरबस राय सुमंत्र पठाए, असुर सर तीर आप चली आए, बरबस बरबस। अब आप देखेंगे बरबस का अर्थ क्या हुआ। पहला अर्थ ये कि सुमंत जी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन राम जी जबरदस्ती भेज रहे हैं बरबस। बरबस माने क्या होता है? जबरदस्ती। जैसे कोई जाना ना चाहे और कोई जबरदस्ती कह दे जाओ 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 निकलो जाओ जाओ जाओ। जैसे मान लो कथा पूरी हो जाए और हम 24 को रुकना चाहें तो कमेटी वाले कह दे जाओ अच्छा जाओ जाओ हो गया कथा, चलो 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 जाओ जाओ जाओ, तो ये क्या हो गया? बरबस। और दूसरा, रावण ने क्या वरदान मांगा था कि हम काहूं के मरहि न मारे, अपानर मनुज जाति दुई, मनुज जाति दुई, मनुज जाति दुई, तीन नहीं मांगा था, दुई मांगा था, तीन नहीं मांगा था। तो कहा राम जी ने कि भैया अगर हम तीन जाएंगे तो रावण मरेगा नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा एक बात बताइए, दुई मानव के अलावा क्या तीसरा मानव भी था रामायण में? बानर भालू यही तो राम जी की सेना में थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मानव केवल दुई, अब ये ना कहिएगा कि विभीषण, विभीषण तो राक्षस खानदान थे था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बाकी मानव तो राम और लक्ष्मण थे। तो इसी वरदान के नाते बरबस राम सुमंत्र पठाए, असुर सर तीर आप चली आए। अब बाबा जी लिखते हैं कि मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हारे मरम मैं जाना, कहूं तुम्हारे मरम मैं जाना, कहो तुम्हार मरम में जाना। अब एक बात बताइए, मागी नाव न केवट आना, इसका अर्थ क्या निकलेगा? ध्यान से सुनिएगा, मागी नाव न केवट आना। तो पहला अर्थ इसका है कि नाव राम जी ने मांगी, लेकिन केवट, बोलो, राम जी ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। अब दूसरा अर्थ क्या है? बोले मांगी नाव न केवट आना, राम जी ने नाव नहीं मांगी केवट आया। जैसे मान लो कि शंभुआ चौराहे पर कोई खड़ा हो और वहां टेम्पो वाला खड़ा है, भरतीपुर भरतीपुर भरतीपुर, तो एक तो वो हो गया कि वो बुला रहा है भरतीपुर भरतीपुर भरतीपुर, एक तो बुला रहा है, और दूसरा कोई खड़ा होकर के कह दे भैया भरतीपुर चलोगे, तो एक तो ग्राहक बुला रहा है और एक पर टेम्पो बुला रहा है। बोले सच्चिदानंद, टेम्पो वाला बुला रहा है। लेकिन तीसरा भी अर्थ है कि कभी कभी आप देखेंगे चौराहे पर टेम्पो तमाम खड़ा रहता है, लेकिन अपना पांव पसार करके बैठे रहते हैं, हैं? उनको ये लगता है कि जिसको जहां जाना होगा वो आएंगे, हमसे कहेंगे तब ले चलेंगे, नहीं तो अपना आराम करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
तो अब ना को रख दीजिए बीच में, तो ना जब बीच में चला गया तो न मागी नाव न केवट आना, न राम जी वहां गए मागे और न केवट आया। अब नदी के जा घाट जाकर के राम जी खड़े हैं, केवट कहा जब बुलाएंगे तब जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो यहीं खड़े रहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब वही वाली हाल हुई कि जैसे किसी गांव में एक पंडित जी आए तो गांव वाले पहुंचे तीन लोग, गुरु जी प्रणाम। बोले पुत्री ना पुत्र चले जाओ। दोस्त पहला चला गया, दूसरा वाला आया गुरु जी प्रणाम। बोले पुत्र ना पुत्री ही। और तीसरा वाला आया बोले गुरु जी प्रणाम। बोले ना पुत्री ना पुत्र। तो पहला वाला जब कुछ दिन के बाद आया गुरु जी प्रणाम क्या हुआ। बोले गुरु जी बेटा हुआ। बोले कहा तो था पुत्र ना पुत्री, बेटा होगा बेटी नहीं होगी। दूसरा वाला गुरु जी प्रणाम क्या हुआ। बोले बेटी। बोले कहा तो था पुत्री ना पुत्र, बेटी होगी बेटा नहीं होगा। तीसरा प्रणाम किया। बोले गुरु जी क्या हुआ। बोले ना पुत्री ना पुत्र, कहा तो था कि न बेटी होगी न बेटा होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वैसे मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, न मागी नाव न केवट आना, तीन भाव हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तीसरी बात ये, कहा तुम्हार मरम में जाना। अच्छा इतने लोग बैठे हैं, हमको आप नहीं जान रहे, हम आपको नहीं जान रहे, लेकिन अभी इसी में से किसी तरफ इशारा करके बोलो हम आपके विषय में खूब जानते हैं। तब व्यक्ति सोचेगा जब कभी मिले नहीं, जुले नहीं, हाल नहीं, चाल नहीं, तो हमारे विषय में कैसे जानते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। जैसे किसी विद्यालय में एक लड़का गुरुजी ने खड़ा किया, ए खड़े हो, खड़े हो, खड़ा हुआ। गुरुजी आदेश, कहा मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को 3 रुपया के हिसाब से 10,000 रुपया दिया, 6 महीने में 3% ब्याज के हिसाब से तुम्हारा बाप हमको 10,000 का कितना देगा। लड़का बोला 1 रुपया नहीं। मैथ के टीचर ने कहा एक बात बताओ, क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो। कहा गुरुजी पढ़े लिखे तो हैं। तो कहा तो क्या सवाल नहीं जानते हो। कहा गुरुजी हम सवाल बहुत जानते हैं, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं जानते। कहा क्यों। कहा आज तक जिसका लिया है कभी वापस नहीं किया है, चाहे 3% लगाओ चाहे 5% लगाओ, जब आज तक किसी का वापस नहीं किया तो आपका कर देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो केवट कहता है मैं आपके विषय में जानता हूं। अब जरा विचार करिए कि जब राम जी सीता जी से कह रहे थे कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करब कछुक नर लीला, सुनहु प्रिया व्रत अब मैं करब कछुक नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा, जब लग करहु निशाचर नासा। राम जी सीता जी से कह रहे थे कि सीता अग्नि में निवास करो, लेकिन लक्ष्मण जी बगलीम थे कि नहीं थे। और लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी बगलिए खड़े रहे लेकिन राम और सीता जी के बात को नहीं जान पाए। और केवट कहता मैं आपका मरम जानता हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब दूसरा अर्थ, जब राम जी रावण को मार करके आए तो बाबा जी लिखते हैं कि क्षण मही सब मिले भगवाना, अब उमा मरम यह काहु न जाना। राम जी एक बार असको अस असको कपि सेना महनाही, राम कुशल जेह पूछी नहीं। कोई ऐसा था ही नहीं राम ने जिसका कुशलता ना पूछा हो। अब एक बात बताइए,
इतना सब कुछ हुआ लेकिन उस मरम को उमा मरम यह का हो न जाना, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और जग देखन तुम पेखन हारे, विधि हरे शंभु नचावन हारे, और त्यों नहीं जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी हारा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब ब्रह्मा विष्णु शिव वेद आपके माया को नहीं जानते, मर्म को नहीं जानते, और केवट कहता है मैं आपके विषय में जानता हूं। सरकार एक बात हम पूछें, कहा क्या? कहा कि आप छोटे छोटे लोगों को गले से काहे लगा लेते हैं, आपने खाली हाल चाल पूछ लिए, आपके सर पर चढ़ गया। तो राम जी ने कहा देखो भैया, जब पहली मोहनी बिगड़ जाती है तो दिन भर बिगड़ते जाता है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी नाते जब दुकानदार कोई देखता है दुकान खोलता है और कोई उधार लेने पहुंच जाए तो कहे भैया अभी क्षमा करो, पहले मोहनी कराओ तब लेकर के जाओ, नहीं तो अगर सुबह की मोहनी बिगड़ी तो पूरा दिन भर बिगड़ते जाएगा। जितने आएंगे सब उधार वाले आएंगे, इस नाते हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पहले देव तब लेकर जाओ, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ बोहनी वाली बात क्या गई? का वही तो कह रहे हैं कि बोहनी बिगड़ गई। कहा कैसे? कहा वनवास हमारा कि तुम्हारा? कहा आपका। तो कहा जब हम तुमसे कहे कि घर पे माता है पिता है प्रजा है तब तुम माने? लक्ष्मण जी बोले नहीं माने। तो कहा जब तुम नहीं मानोगे तो केवट कैसे मानेगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और सुनो, बोहनी तो तुमने बिगड़ा दिया, सीता माने नहीं वो भी मन में चली आई, अब अयोध्या वाले माने वो भी पीछे पीछे चल पड़े। तो जब अयोध्या वाले नहीं माने, जानकी नहीं माने, तुम नहीं माने, पूरा बोहनी बिगड़ गया तो ये कैसे मान जाएगा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जैसे चलना चलने दो। केवट से कहा भैया क्या मरम जानते हो? कहा सरकार बता दो, बुरा ना मानिएगा। एक जगह कथा हो रही थी तो मैं कथा सुनने गया, तो कथा में मैं सुन रहा था कि महात्मा कह रहे थे कि भगवान के भाव सागर में जो पड़ जाता है वो 84 लाख बार उसी में घूमता रहता, बाहर नहीं निकल पाता। तो एक दिन हमने कहा कि हे प्रभु आपका जाल कितना बड़ा है, तो आज हम हूं जाल डालेंगे, हे दया निधान आज आप हमारे जाल में फंस जाइए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और प्रभु जैसे हमने नौका डाला और जब बाहर खींचे तो देखे आप फंसे हुए हैं, आहा अब आपको देख करके मैं इतना गदगद हुआ, आप ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे थे कि हमको बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो। तो हमने कहा कि प्रभु अब आप पड़े रहो, जब 84 लाख जाल में हम लोगों को फंसाते हो हम कुछ नहीं बोलते, हम एक जाल में फंसाए तो फड़फड़ा रहे हो, चुपचाप पड़े रहो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमने कहा तो आपने कहा कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, तो हमको एक बात जानकारी हो गई कि आप दुनिया को भले पार कर दें लेकिन आप स्वयं अगर किसी भक्त के जाल में फंस जाएं तो निकलना नहीं जानते, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दुनिया को माया जाल से निकाल देंगे लेकिन अगर आप किसी जाल में फंस गए तो आप निकल नहीं पाएंगे, मुझे भरोसा हो गया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये मरम जानता हूं। दूसरा सरकार यह भी जानता हूं कि आप बन आए हैं तो आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप हमको दे नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात आपसे कहें, हम मांगेंगे भी नहीं क्योंकि हम आपके पिताजी के मित्र हैं, हम मांगेंगे भी नहीं। नाथ ना उतराई चहो उत माने जरा सा राई माने सरसों, सरसों के बराबर भी कुछ नहीं मांगूंगा, चिंता ना करिए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि जानता हूं कुछ है नहीं। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है, बताओ कितना अपमान कर रहा है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, हम तुम्हारा मरम जानते हैं, हम ये जानते हैं। और एक मरम और जानता हूं। कहा क्या? कहा सरकार आपको तैरना नहीं आता। राम जी ने कहा कैसे पता? कहा जब से हम हट कर रहे हैं अगर तैरना आता तो आप लाघ जाते, तैर करके पार हो जाते, लेकिन इससे पता चल गया कि अगर तैरना आता तो नाव का है मांगते, बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये भी मरम आपका जानता हूं। तो लक्ष्मण जी केवट ने कहा कि महाराज एक मरम और जानता हूं। राम जी ने कहा कौन सा?
अरे छुवत सिला भई नारी सुहाई अपाहन तेना काठ कठिनाई काठ कठिनाई तरणी मुनि धरणी होई जाई तरणी मुनि धरणी होई जाई तरणी मुनि धरणी होई जाई तरणी मुनि धरणी। महाराज मैं एक मर्म और जानता हूँ। कहा क्या? का इसी चरण के रज से एक पत्थर की नारी बन गई, पत्थर अहिल्या नाम की नारी बन गई थी। और महाराज मुझे ये डर लगता है कि जब पत्थर और पर्वत, पत्थर में और काठ में कोई अंतर जादे तो है नहीं, पत्थर भी ठोस और काठ भी ठोस। तो राम जी ने कहा तो कहा सरकार बस यही सोच रहा हूं कि अगर कहीं आपके पांव से मैंने नाव को छुला दिया और अगर कहीं नौका हमारी नारी बन गई तो हम कहां जाएंगे। महाराज पेट पालने का साधन तो खाली नौका ही बचा है, और जब ये चला जाएगा तो महाराज हमारे जीवन का आजीविका कैसे चलेगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार हम राजा दशरथ जैसे संपन्न है नहीं। राजा दशरथ के 16,000 रानियां हैं, 3 पटरानियां हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उनके लिए तो सर्व समर्थ कौशल पुर राजा जो कुछ करें उन्हें सब साजा, लेकिन हमारी जो पत्नी है ना वो एक नंबर की सक्की है। अगर कहीं हम यहां से गए तो हमारी पत्नी तो तुरंत कहेगी कि निकल जाओ घर में से, दोबारा मुंह ना दिखाना, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और कहीं मार भी ना बैठे, ताजुब तो है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन सरकार एक बात है, इसी नाते हमने निवेदन आपसे यही किया है कि आप चाहें अगर नौका में बैठना तो आप पांव धोला लीजिए, हम आपको बैठा दें, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और नहीं तो आप तो भगवान हैं। राम जी ने कहा तो कहा कि सीता जी का हाथ पकड़िए और लक्ष्मण जी को साथ लीजिए और विराट रूप बनाइए, नदी पार हो जाइए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे कहा लेकिन पोल नहीं खुल जाएगी हमारी, तो कहा सरकार तब चुपचाप पांव धुलवाइए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर चाहते हो कि पोल भी ना खुले, नौका नदी पार भी हो जाऊं, तो पहले हमारी बात मानो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी ने कहा कौन सी बात माननी है? तो कहा कि जो प्रभु पार अवसी गाच मोहि पद पदुम पखानन कहो, मोहि पद पदुम पखानन कहो। अगर उस पार जाना चाहते हैं तो पहले हमसे कहिए कि मेरा पांव धो। राम जी ने कहा कि देखा लक्ष्मण भैया क्या कह रहा है, मतलब सारा गर्ज हमारे है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। पहले जल लाओ, पांव धो और तब पार करो। केवट ने कहा सरकार यही बात तो हम कह रहे हैं कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मोहि पद पदुम पखारन कहू, सामने से कहिए, निवेदन करिए, तब मैं जल लेकर के आऊंगा, तब पांव धोऊंगा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। धुला लो पांव राघो जी अगर जो पार जाना है, धुला लो पांव राघो जी अगर जो पार जाना है, अगर जो पांव जाना है, धुला लो पांव रघुवर जी अगर जो पार जाना है। और पार करते हो सब जग को, पार करते हो
सब जग को नाम का तो बहाना है, पार कर दे सब जग को नाम का तो बहाना है। दोनों हाथ उठ करके हे हरि, पत्थर तो सुंदर नारी बनती है, जो छू जाए तो ये पत्थर तो सुंदर नारी बनती है, तो सुंदर नारी बनती है। और ये नौका, ये नौका नारी बन जाए, ये नौका नारी बन जाए, काठ का क्या ठिकाना है, ये नौका नारी बन जाए, काठ का क्या ठिकाना है। हरि वो सीताराम भगवान की। प्रभु अगर पार जाना है तो पांव धुला लीजिए। राम जी ने कहा तो एक काम करो भैया, विलंब न करो, बेग आन जल पाए पखारो, अहोत विलंब उतार ही पारो, जल्दी से जाओ पानी लेकर आओ और हमारा पांव धो दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब केवट घर गया, पत्नी से कहा सुन रही हो, आज नौका के सामने पूरी दुनिया के मालिक आए हैं। केवट की पत्नी ने कहा तब तो पांव धोना चाहिए। हाँ इसलिए तो घर भाग करके आया हूं। तो पत्नी रोने लगी, कहा तू रो क्यों रही है। कहा आज मेरे पास सोने का परात होता, चांदी का पात्र होता तो मैं अपने राम का पांव धोती। केवट ने कहा पगली, अगर सोना होता चांदी होता तो भी मैं उसमें भगवान का पांव नहीं धोता। कहा तो कहा अपने पास
कठौता है ना, तो कहा कि कठौता भी है कठौती भी है। अरे कहा चुप रहो, कठौती का नाम मत लो। कहा क्यों? कहा कठौता रहेगा तो अपना फायदा होगा। कहा क्या फायदा होगा? कहा कठौती रहेगी तो पक्का बिटिया होगी, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और कठौता रहेगा तो बेटा होगा, तो मान लो बेटा होगा तो अपने ना रहने के बाद घाट का कम से कम कार्य तो देखेगा, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर बेटा हुआ, अगर छूने से कुछ हुआ तो बेटा ही होगा, क्योंकि कठौता पुलिंग है, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और कठौती स्त्रीलिंग है। पत्नी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन कठौता में पांव काहे धोएंगे? कहा देवी जब पांव धोएंगे कठौता है काठ का, अब पांव धोएंगे तो पानी सोखेगा कठौता, बोलो हाँ या ना। अब बाद में तुम उसी में तो रोटी बनाती हो ना, और जब रोटी बनाओगी रोज चरणामृत के लिए लोग तरसते हैं, हम तो जितने दिन रोटी खाएंगे उस दिन राम जी के चरण में सना हुआ चरणामृत वाला रोटी हमको रोज मिलेगा, तो कम से कम हमारी बुद्धि सुधर जाएगी, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते हम कठौता में जल ले जाएंगे। अब जरा ध्यान देना, अकेले नहीं आया, पत्नी को लेकर के आया। राम जी ने कहा कि भैया अकेले क्यों नहीं, पत्नी को क्यों? कहा कि एक बात बताइए, जब आप बन जा रहे हैं अकेले नहीं जा रहे, पत्नी को लेकर जा रहे हैं, तो सरकार क्या हम इस पूर्ण को अकेले ले लें, हमारी पत्नी ना पावे? अब पति और पत्नी दोनों पांव धोने लगे। आहा, बाबा जी लिखते हैं पांव बड़े भाव से धो रहा है केवल। आहा, अब पांव धोते धोते अंत में राम जी ने पांव नीचे रख दिया। केवल ने कहा ओ महाराज गड़बड़ कर दिया आपने। राम जी ने कहा क्यों गड़बड़ कर दिया? अरे कहा महाराज आप हमारे पास से जो हमारा तौलिया है आपका मैं पांव पोंछ देता, आप बगल में रख कर देते या तौलिया पर रख देते, अब आपने नीचे रख दिया। तो कहा हाँ, तो कहा कि अब फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बढ़िया काम है, ये दिन भर पांव धोवे, अब आप दिन भर पांव धुलाओ और ऐसे पांव नीचे रखो, फिर धो लगे फिर धुलाओ फिर धुलाओ, ऐसे करते करते पूरा दिन यहीं बिताओ, 14 वर्ष के बाद यहीं से वापस जाओ, रावण काहे मरेगा, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। केवट ऐसे करके देख रहा है। लक्ष्मण जी को देख करके कहा कि भैया एक बात बताएं, है बहुत अच्छे आदमी ये। तो कहा है? कहा कि जब मैं कछुआ हुआ करता था और ये शेष हुआ करते थे, मैं पांव छूने का प्रयास करता आपका तो ये फन मार करके मुझे नीचे करते, और एक बार इन्होंने ऐसा फन मुझे मारा कि प्रभु मैं आपके दोनों पांव धो रहा हूं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और ये बार बार धनुष पर तीर चढ़ाते धनुष पर तीर चढ़ाते, हम तो कहते मार दो। तो कहा कि मार देंगे तो तुम्हारा फायदा क्या होगा? केवट ने कहा सरकार हमारा फायदा तुम हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान होगा। राम जी बोले काहे का नुकसान हमारा होगा भाई? तो कहा कि जब आप मारोगे तो तुरंत हमारी बिरादरी इतनी एक है इकट्ठी होगी, इकट्ठी होकर कि किसने मारा किसने मारा किसने मारा, तो कहेंगे राम के छोटे भाई लक्ष्मण, तो गांव वाले कहेंगे कि भैया अब सुलह कराओ, तो ये होगा कि पहले सारा परिवार का खर्चा भारा आप उठाइए। लेकिन सरकार समस्या ये है कि जब आपके पास उतराई देने के लिए नहीं है तो आप सुलह का पैसा कहाँ से लाओगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हैं? तो गांव वाले कहेंगे तो एक काम करो, अब यहाँ रह करके मजदूरी करके इनके बच्चों का पालन पोषण करो, तो बन जाना छोड़ दीजिए, यही मजदूरी करिएगा, बोले सच्चिदानंद भगवान की। दूसरी बात, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, जब हम मर जाएंगे तो पड़ोसी कहेंगे कि इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, तो पंचायत का आदेश आएगा कि जिसने मारा वही सारा काम करे। और अब हमारा काम तो 16 दिन के पहले होगा नहीं, तो 16 दिन तक यहीं आप रहिएगा, क्रिया बैठिएगा, सारा काम करिएगा, और तब आप बाद में जाइएगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण तीर नीचे रख लो, ये बड़ा चालाक आदमी है, हैं? ये सारी बात जान, नीचे रख लो नीचे रख लो। तो राम जी ने कहा तो भैया बात तो सही कह रहे हैं लक्ष्मण कि बार बार पांव नीचे जाएगा, बार बार तुम धोओगे तो ऐसे तो पूरा दिन बीतेगा, रात बीतेगा, कई दिन बीतेगा, कैसे काम चलेगा? तो केवट ने कहा सरकार अब एक काम करिए। कहा क्या? कहा सस्ते में राय दे रहा हूं, मानना आपका काम है, नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, मानिए। राम जी ने कहा क्या?
कहा कि दोनों पांव रखिए इससे कठोतम खड़े हो जाइए। अरे बोले भैया हमारी उम्र है 27। कितनी उम्र है? क्योंकि मेरे पिताजी मुझको गद्दी तब दे रहे थे जब मैं हो गया 27। अब आप भी अपने बच्चे को घर की चाबी दे दीजिए कब, जब बच्चा हो जाए 27। अच्छा 27 का मतलब जान गए? नहीं समझ पाए। 27 27 का हो गया यानी घर संभालने के लायक हो गया। तो महाराज हम 27 साल के हैं तो हमारा तो यही भाव आपसे है कि पांव कैसे धुलाएं। तो केवट ने कहा सरकार दोनों हाथ हमारे सर पर रखिए और दोनों पांव रख करके कठोतम खड़े हो जाइए। जब आप ऐसे ऐसे होंगे तो हमारे सर पर दोनों हाथ रखना, ये गारंटी देता हूं गिरने नहीं दूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, मेरी गारंटी में आपको गिरने नहीं दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, जहां काम आवे सुई काह करे तरवार। जहां छोटा छोटा काम व्यक्ति काम नहीं कर सकता, जहां बड़े से बड़ा व्यक्ति काम नहीं कर सकता, वहां छोटे से छोटा व्यक्ति काम करके अपना कार्य निकाल ले जाता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे किसी गांव में, मान लो जैसे इसी कानपुर में कुछ इंजीनियर आए। अब उन इंजीनियरों को क्या करना था, पाइप में धागा डालना था। अब पढ़े लिखे इंजीनियर चश्मा लगाए, ओह गॉड कैसे करें, पाइप में धागा कैसे जाए। सब बेचारे घबराए हुए हैं। तब तक गांव का एक किसान माथे पर खाद लेकर के राम राम साहब। अच्छा आजकल क्या है कि कोई छोटा व्यक्ति अगर किसी बड़े व्यक्ति को राम राम कह दे तो लगता बदनामी कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। जब पांव छुए, अरे आप तुम्हें माता चपता तुम्हें तुम्हें बंधु चस्खाते हैं तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें तुम्हें सर्वमम दे देवे। तुम्हारा तब अच्छा लगेगा कि देखो हमारा कितना सम्मान कर रहा है। और अगर कह दिया कि मालिक राम राम तो समझ लो कि मालिक का खून जल जाता है। अरे हमें राम राम, हम छोटे व्यक्ति हमको राम राम कर रहा है। उसने कहा साहब राम राम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उसने कहा साहब गुस्सा ना दिखाइए, देख रहा हूँ सुबहिया से आप लोग परेशान हैं। मामला क्या है जो उलझ गया है, सुलझ नहीं रहा है, क्या कर लोगे तुम हैं? हम पढ़े लिखे इंजीनियर, हम नहीं मामला सुलझा पा रहे, तुम सुलझा लोगे? अरे कहा साहब मौका तो दो, पाइप में धागा डालना है, क्या कर लोगे तुम? तो उसने कहा सरकार ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कहा कैसे? कहा साहब दो मिनट रुको। अब उसने ऐसे चारों तरफ देखा और देख करके उसने एक चूहिया पकड़ा और चूहिया के पूंछ में धागा बांधा और धागा बांध करके पाइप पर रखा और पाइप के जो